की कृपा से माँ वैष्णो देवी माता की आशीर्वाद से उन सबको सर्वप्रथम मैं बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके जीवन में हमेशा के लिए खुशियां और समृद्धि रहे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है मेरे मित्र माननीय सुशील कुमार मोदी जी, समिति के अध्यक्ष जगजीवन सिंह जी, यहाँ के विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी, विधायक नितिन नवीन जी, अन्य सभी मेरे मित्र और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं जानता हूँ यह भाषण का समय नहीं है। जैसे कि हमारे 51 जोड़े उल्लासित है, उत्साहित है, वैसे आप भी सभी उत्साहित है, उल्लासित है उनको आशीर्वाद देने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी प्रथा पिछले 11 वर्षों से माँ वैष्णो देवी की कृपा से इस समिति ने शुरू कर दी है, सामूहिक विवाह की, जो कि एक समाज की आज आवश्यकता बन गई है। हमारे समाज में जैसे संस्कृति है वैसे कुछ विकृतियां भी आती रही है, और दहेज जैसी विकृति हमारे समाज में, हमारी प्रथा में, हमारी परंपराओं में कब आ चुकी है हमको पता भी नहीं, परंतु तो आज समय है ऐसी कुप्रथाओं के बारे में हम सबको खड़ा रहकर कुछ करने की। इसलिए आज के इस समय पर ऐसी दहेज जैसी कुप्रथाओं को बाजू में रखकर और जिनसे विवाह उनके बनाने हैं, इसके लिए तुरंत आगे आकर अग्रसर बनकर माँ वैष्णो देवी समिति ने और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने जो पहल की है बहुत ही अनुकरणीय है, बाकी सब लोगों ने करने की आवश्यकता भी है। मुझे लगता है समाज के आप जैसे सभी लोगों के आशीर्वचन से, आशीर्वाद से और सहयोग से ऐसी कुप्रथाओं पर हम मात करके समाज में एक सदाचार का वातावरण, सौहार्द का वातावरण निर्माण कर सकेंगे और समाज को आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। माँ वैष्णो देवी समिति ने, सेवा समिति ने हमेशा कुछ न कुछ समाज के हित में काम किया है। मैं जब यहाँ बिहार में राज्यपाल की शपथ लेने के बाद पहुंचा तो पहला कार्यक्रम मेरा यही समिति के था, इसी समिति का था, और मुझे प्रसन्न, बार बार मैं ऐसे कार्यक्रमों में इस समिति के आता रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे समाज हित के कार्यक्रम में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, आप भी उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।